भाजपा जिला मंत्री के घर में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। इटावा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राहुल राजपूत के घर में लगी आग में फोर व्हीलर गाड़ी और बाइक जलकर खाक हो गई। जिला मंत्री ने अज्ञात लोगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। एसएसपी इटावा ने निरीक्षण किया। उन्होंने घटना की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें, घटना इटावा जनपद के बड़पुरा थाना क्षेत्र के उदी मोड़ के पास कृष्णा नगर कॉलोनी की है। करीब 1:10 पे मैं अपने घर में सो रहा था, कुछ आड़सी महसूस हुई तो कुछ अपनी पत्नी से बोला कि कुछ लग रहा है कि घर में कोई लोग हैं, तो मैंने अंदर से उनसे बोला कौन है, तो फिर मैं पीछे वाले गेट से भागा, घर वालों को जगाया, बोला कि घर में कुछ लोग मुझे महसूस हो रहा, कुछ लोग गुस्सा है, तो बाहर जा सब लोगों ने देखा गया तो ये मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी में बहुत भीषण आग लग चुकी थी और उन्होंने ये पाइप को तोड़ा है, पाइप है और गेट के ऊपर जो रेलें लगी हुई थी उनको सबको तोड़ के ले गए वो, और तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसमें इटावा सीओसीटी साहब, तहसीलदार साहब तुरंत मौके पहुंचे और बड़बड़ा थाना अध्यक्ष तुरंत आए और फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी लोग घर में सुरक्षित हैं और मैं बस प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो भी कोई व्यक्ति हो। लगभग कितनी क्षति हुई होगी इसमें? लगभग एक स्कॉर्पियो गाड़ी है S3 जो कि नई करीब 12-13 लाख रुपए की तो आती है, और 3 बाइक है, 2 छोटी छोटी साइकिल हैं, और पूरा मकान करीब पूरा खत्म है, सामान जल गया है, काफी घर का सामान जो होता है। उदी क्षेत्र में राहुल राजपूत रहते हैं, उनका घर है, ऊपर रहते हैं, नीचे जो है उनका गैराज था जिसमें कि आग लगी है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 3 मोटरसाइकिल, इवन छत तक सीढ़ी से होते हुए छत पे भी आग गई है, 2 कमरों में भी आग पूरी लगी हुई जिससे टाइल्स वगैरह सब टूटी हुई है। इस संबंध में राहुल द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर हमारी फॉरेंसिक टीम, CFO की टीम जांच करके जो भी इसमें कारण होंगे उसकी छानबीन करने के बाद अगर किसी का इसमें दोष पाया जाता है या कोई इसमें कल्पित होता है तो उस पर ही कार्रवाई करेंगे।